वो किताबों के बीच एक कमरे में कट रही मेरी रोजमर्रा की जिंदगी कभी कुछ बन जाने को प्रेरित करती थी। 3 साल से सिलेक्शन रुक रहा है, आखिर कब सब कुछ सही होगा भगवान। रीजनिंग जीएस इंग्लिश पर लगाया समय तो बढ़िया परिणाम देती थी, पर वहीं टोटल स्कोर पर गणित की मार जिंदगी की हार बनकर रह जाती थी। क्या यार, हर बार मैथ ही लुटिया डुबो देती है, कैसे करूं मैं कवर इसको। वो कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा नफरत करने वाले से एक दिन मोहब्बत होने लगती है। तब यही हाल था मेरा, गणित की चाह पनप रही थी मुझ में, मैं भी उसे जड़ से जानना चाहता था। वक्त भी सबसे ज़्यादा देने लगा था उसे। अब रातें भी खुली आंखों के साथ बीतने लगी थी गणित की मोहब्बत। कभी गणित की किताबें मेरी गोद में, तो कभी मैं उन पर सिर रख के सो जाता। पहले लासा मासा के गुणनफल को एक संख्या से भाग देकर दूसरी संख्या से निकालने पर ही बोर होकर किताब बंद करके बैठ जाता। कैलकुलेशन तेज करने को अब बाहर आती जाती गाड़ियों की संख्याओं का जोड़ घटाव करता रहता था। अब काम, समय, मजदूरी सब मुजवानी ज्ञात करता था, पर नाव उल्टे जल की धारा में चलाते चलाते अब भी मैं फंस ही जाता था। वॉशरूम में भी स्क्वायर और क्यूब रूट की लिस्ट लगाकर मैं फुर्सत से रटता रहता था। तब बेसिक से फॉर्मूले तक कुछ भी नहीं समझ आता था, कोणों के चक्कर में घन चक्कर बनकर रह जाता था। कॉस 60 की वैल्यू 1/√2, नहीं कुछ गड़बड़ है। शून्य 30 45 60 90 तक की सारणी मंजन करते वक्त भी जेब में रखकर चलने का आदि होता जा रहा था। वो जाड़े की छुट्टियों में आई मामी की लड़की से फॉर्मूलों पर चर्चा करता था। प्रिया चाय। पहले tan 2 थीटा का फार्मूला बताओ। चाय दे दो यार प्लीज। नहीं, पहले फार्मूला बताओ। 2 tan थीटा अपॉन 1+ नहीं 1 - tan स्क्वायर थीटा। और बेलन का आयतन? पाई आर स्क्वायर एच। दो बिंदुओं के बीच की दूरी? √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस (y1 - y2) का होल स्क्वायर। आप चाय ले आओ। ओ जनाब, तो सब रट डाले हो। अब जय कोज्या स्पर्शजा सब मामूली सा लगता था। त्रिभुज चतुर्भुज अब क्या ही था, बहुभुज का ज्ञान चरम पर था। तब बंध कर फंस जाता था केवल भुजाओं की ही संख्याओं में। अब तो बहुभुज के विकर्णों की संख्याएं भी निकलने लगी थी NC2-N से। तब ऊंचाई और दूरी से मैं यूं ही डर के रह जाता था। एक्रोफोबिया था मुझे, या उन्नयन अवनमन कोणों में मैं चक जाता था। चाल दूरी के चक्कर में औसतन ठहर सा जाता था।
अनुपात समानुपात अब त्रिभुज की भुजाओं में भी लग जाता था। मैं SPCP के चक्कर में अक्सर हानि की दिशा में गिर जाता था। अब SICI की रेट से वर्षों का डिफरेंस निकालकर आगे बढ़ जाता था। दूध पानी के मिश्रण में एलिगेशन भी लग जाता था। मदिरा से भरे ग्लास से अल्कोहल अलग हो जाता था। गणित को इतनी मोहब्बत से जो सजा के रख लिया था दिल में कि अब भय नहीं महसूस हो रहा था CGL के प्रीमियन से। जैसी ST देता था वैसा इस बार पेपर में कुछ भी था ही नहीं। GS करंट अनसुलझी थी, सिर्फ गणित के प्रश्न ही सुलझ रहे थे। प्री निकला था चारों विषयों के साझे के स्कोर से। मेंस निकला था गणित के 200 में से 200 के स्कोर से। सीखना कठिन कुछ भी नहीं है, हर विषय को मोहब्बत चाहिए अपनों सी। जिंदगी के सफर में सिर्फ किताबें हों तो मंजिल जल्दी रास आती है। अगर सब कुछ सीखने की कला हो तो राहें नई बन जाती हैं। सफर में नजर गर सिर्फ अपनी कमियों पर हो तो सफलता आसानी से मिल जाती है। फिर विषय चाहे जो भी हो, कठिन परिश्रम से एक्यूरेसी 10-20 से पूरी 100 हो जाती है।